पाकिस्तान, ये देश गैर मुस्लिम कहे या अल्पसंख्यकों के लिए कहे नर्क है, जहां उन्हें हर पल दुयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास करवाया जाता है। हर दिन यहां उनके अधिकारों को रौंदा जाता है। यहां अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपहरण, जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया जाता है। सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दुनिया भर में रोता रहता है। इसी को लेकर एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जबरन धर्म परिवर्तन, बाल विवाह, किशोर लड़कियों के अपहरण और दोगुनी उम्र के पुरुषों से लड़कियों की शादी पर तुरंत रोक लगाने की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति कुत्ते की दुम वाली है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र की इस अपील का पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इसे रोकने के बजाय देश के सभी विश्वविद्यालयों में कुरान को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कॉलेजों में सभी छात्रों को इसे पढ़ना है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्र भी शामिल हैं। यानी अब उन्हें भी कुरान पढ़नी होगी। दरअसल जमात इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद की तरफ से पेश प्रस्ताव को पाकिस्तान की संसद ऊपरी सदन ने मंजूरी दे दी है, जिसमें यूनिवर्सिटीज में कुरान को अनुवाद के साथ पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाना था। इस प्रस्ताव के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया जाएगा। कुरान की पढ़ाई के बाद छात्रों को इसकी कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और ना ही इसके लिए छात्रों को अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। नंबर ना देने और परीक्षा में छूट देने का मकसद छात्रों को कुरान के लिए प्रेरित करना है। जमात इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद का कहना है कि नियमों को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये जानना होगा कि कुरान में कौन सी बातें सही और कौन सी बातें गलत हैं। लोगों को सही गलत की समझ होनी बहुत जरूरी है और इसलिए कुरान को पढ़ना और उसे जानना होगा। जमात इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद का कहना है कि नियमों को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये जानना होगा कि कुरान में कौन कौन सी बातें सही और कौन सी बातें गलत हैं। लोगों को सही गलत की समझ होनी बेहद जरूरी है और इसलिए कुरान को पढ़ना और उसे जानना होगा। आपको बता दें, हाल ही में देश के गृह मंत्री राणा सराउल्लाह ने बयान दिया था कि सरकार ने तय किया है कि वो असली कुरान की कुछ आयतों को फिर से कंपाइल कराएगी। वैसे तो पाकिस्तान का अल्पसंख्यक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का लंबा इतिहास रहा है, जिसे दुनिया ने कभी देखा है। पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 से लेकर 2022 के बीच जबरन धर्म परिवर्तन, बाल विवाह, ईसाई समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के करीब 100 मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की खस्ता हालत पर वर्ल्ड बैंक ने भी मुहर लगा दी है, की तरफ बढ़ रही है।